नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज के इस चुनाव में हर एक नेता आएगा अपनी बात बोलेगा। एक बात जानिएगा, बिहार झारखंड को बटने में 19 साल हो गया, 19 साल हो गया बिहार और झारखंड को बटे हुए। 19 साल में से 16 साल राज बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी की सरकार है। 19 साल में से 16 साल याद कीजिए। बीजेपी वाले लोग बोलता है कि झारखंड गरीब है, पिछड़ा है। अगर झारखंड गरीब है, पिछड़ा है और राज्य के मुकाबले खड़ा नहीं हो पा रहा, तो जो पार्टी, जो सरकार 19 साल में से 16 साल राज के, वही ना दोषी है। और कौन दोषी है? और याद कीजिएगा, सुनो, जो पार्टी, जो सरकार 16 साल में काम नहीं कर पाई, वो आगे भी नहीं करेगी। वायरल हो रखा है, क्या वायरल हो रखा है? क्या एगो नौजवान जो है काम करके घर आता है, बैठता है खाली में, दाल चावल है खाली, यहाँ से देखिएगा, दाल चावल है खाली खाली में, और उसी को सान करके कौर खाता, अब प्याजवा के टांगे हुए, एक और खाता है तो फिर प्याजवा के सुन होता है। अब बताओ, ये गरीब के थाली से कभी दाल गए, कभी प्याज गए? महंगाई चरम सीमा पर है, तेल, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल सब महंगा हो गया। हम लोग बात करते हैं देश में अमन चैन की बात करते हैं, अरे भाजपा वाले लोग समाज में नफरत फैलाने की बात करता है। हमसे यहाँ जो है अपराधी और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो रहा है, तो इसलिए आज देखिएगा, देश को तोड़ने का कानून लाने का काम किया इन लोगों ने। आप याद कीजिए, इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने अपना खून बहाने का काम किया है। और कोई वही कलान जो है कितने अंतर के भाइयों को देश से बाहर नहीं कर सकते। हम लोगों ने देश की आजादी में सबका खून बहा, और हमारे देश की यही खूबसूरती है, अलग अलग जात है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, दिखने में अलग अलग है, तभी हमारा देश जो है भारत महान कहला। जो कानून नागरिकता संशोधन बिल लाने का काम किया, हमने बिहार बंद करने का ऐलान किया है, बिहार को बंद करने का ऐलान किया है, 21 तारीख को बिहार बंद रहेगा। और आप देखिए, ये लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो मुद्दे से भटकाने के लिए, जब काम नहीं कर पाते भाजपा वाला लोग, तो मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। इस तरह का खाली किस पर बात होनी चाहिए, किस पर चर्चा होनी चाहिए? गरीबी खत्म करने पे, नौजवानों को रोजगार देने में, महंगाई खत्म करने में, लोगों को घर मिले। लेकिन भाजपा वाले लोग किन चीजों पे बात करता है? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, और कोई नहीं मिला तो इमरान खान पे बात करता है। अरे पाकिस्तान तो हमारी जुत्ती भी नहीं है। अरे मुकाबला उसमें उन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो जो गरीबी है उससे लड़ने का काम करना है, जो महंगाई है उससे लड़ने का काम करना है। आज बेरोजगारी दर 45 साल बाद इतना ज्यादा हो गया,
जिसको रोजगार था वो भी छिना गया। आज देखिएगा देश का जीडीपी जो है वो गिर गया। आज देखिएगा पूरी तरीके से आर्थिक मंदी देश में छाई हुई है। इसलिए इसीलिए ना लालू जी के साथ साजिश किया है लोग आप लोगों के बीच होते, क्योंकि आप जानते हैं ना भाजपा वाले लोग अगर सबसे ज्यादा डराता है तो हमारे बाबू जी से डरा रहे। जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखाया जाता है वैसे ही लोग भड़कता है लालू जी को। तो आप देखिए केस मुकदमा, अरे खाली लालू जी को जेल में भेजा, हम पे 35 मुकदमा कर दिया। मेरी सात बहन है, सातों बहनों पे मुकदमा किया, मेरे भाई पे, मेरी माँ पे, सातों बहन का ब्याह हो गया तो सातों चीजा जी पे भी कर दिया। यो नहीं, जितने सातों के सास ससुर थे उनको भी नहीं छोड़ा। केस मुकदमा करता लोग सोचा कि लालू जी को जेल में बंद कर देगा तो लालू जी डरा जाएंगे। अरे लालू जी डराए वाले हैं, आपके नेता शेर हैं, इनके किधर सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं। आज जो भाजपा के साथ चला जाता वो राजा हरिश्चंद्र और कमल छाप साबुन हो गया है। समझ रहे, कमल छाप साबुन से नहा लीजिएगा रगड़ रगड़ के, तो जितना अपराध किए होंगे, जितना बलात्कार किए होंगे, जितना भ्रष्टाचार किए होंगे, सब साफ हो जाएगा। लेकिन जो भाजपा के खिलाफ लड़ेगा वो बेईमान हो जाएगा, भ्रष्टाचारी हो जाएगा, चोर हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग जान रहे हैं क्या हो रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो भाजपा के खिलाफ बोलता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, अजीत पवार को बोलते थे भ्रष्टाचारी है, 90,000 करोड़ का घोटाला बनाया गिरे बनाया, और दो दिन बाद केस मुकदमा खत्म करके क्लीन चिट दे दिया। ये है भाजपा। इसलिए हम लोगों पर लालू जी को कितना भी दबाने का कोशिश किया गया, साजिशों का अंबार लगाया गया और तंग करने का काम किया जा रहा हो, लेकिन आपके नेता ने आज तक जो है विचारधारा से, नीति से, सिद्धांत से समझौता नहीं किया। आज तक भाजपा के आगे, सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं देगा, बल्कि मुकाबला करने का काम किया। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए, झारखंड में हम हर जगह घूमे, हर चरण में घूमे, एक बार बीजेपी का सफाया झारखंड की जनता ने कर दिया। अब आप लोगों का काम बाकी रह गया है, सोलह तारीख को 2 नंबर में मंडल जी को तीर धनुष पे बटन दे करके लालू जी का हाथों को मजबूत कीजिए। अरुण चटर्जी का डोल दीजिए भाई, अरुण चटर्जी को थोड़ा ही लगना ना चाहिए, इतना भारी संख्या में आ जाओ। सीताइएगा कि नहीं सीताइएगा, दोनों हाथ उठा करके बताइए। सबके दुकान बेचारा इतना बाग हो, झड़िया हो, बागपाड़ा हो, चुंडी हो, कुंडी हो, वहाँ वहाँ जो भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से आप लोग जो है विजयी बनाने का काम कीजिए। भाई बेटा का आशीर्वाद रहेगा ना, मेरे साथ ताड़ा लगाइएगा, जोरदार लगाइएगा। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप बोला झारखंड बचाओ, सब बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ उठा के दे लगाइएगा, सब लोग साथ दीजिएगा, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। आप लोगों का अनुमति हो तो मंडल जी को विजय का माला पहना दे। देखिए इनकी माता जी का देहांत हुआ, लोग जो है इसको लेकर दुखी है, उम्र हो गया होगा 85 साल। अब हम लोग सब लोग उनके शोकिए इनके साथ खड़े हैं, और आप लोग इनको पूरा वोट देकर के जिताइए। आपको पूरा विश्वास है कि नेता बन करके नहीं बल्कि यहाँ का बेटा और सेवक बन करके।
जिंदा दो जिंदा।